तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक के एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में। दोस्तों फिर अगर आप भी एक फेसबुक यूजर हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो स्कैम है ये फेसबुक पर काफ़ी दिन से हो रहा है, काफ़ी पुराना स्कैम लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम है। मेरे भी साथ इस तरह का स्कैम होने वाला था, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन सा स्कैम था और आप इस स्कैम से किस तरह से बच सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके रिलेटिव या फिर आपके आपका कोई फ्रेंड या फिर जो भी जिसे आप जानते हो उसके नेम से सेम फेक फेसबुक अकाउंट बनाता है, यानी कि डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है। सेम वही प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, मान लीजिए आपका कोई अगर फ्रेंड ही है तो स्कैमर क्या करेगा कि आपके फ्रेंड का सेम प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करेगा और सेम नेम से आपके जो फ्रेंड का नेम है सेम यानी कि डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाएगा, जो कि आपके फ्रेंड का ही एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट होगा। उसके बाद उसी डुप्लीकेट अकाउंट से वो आपको मैसेज करेगा और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वो जो मैसेज आया है वो आपके फ्रेंड की तरफ से आया है, उसमें उस मैसेज में जो भी कहा जा रहा है वो आपका फ्रेंड कह रहा है। तो ऐसे पर आप ट्रस्ट कर जाते हो उस मैसेज पर और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम हो जाता है। उस मैसेज में स्कैमर आपसे पैसे मांगता है, आप अपना फ्रेंड समझ से उसे पैसे भी सेंड कर देते हो। इस तरह का स्कैम काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पर हो रहा है, तो आज हम डिटेल में यही बात करेंगे कि इस तरह के स्कैम से किस तरह से बचा जा सकता है या फिर कौन सा ऐसा पॉसिबल मेथड है जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों जानने के लिए आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे साथ भी एक इस तरह स्कैम हुआ था, जो फेसबुक मैसेंजर आपका एप्लीकेशन होता है जहाँ पर मैसेजेस आते हैं, तो मेरे साथ भी इस तरह का स्कैम हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक फेसबुक अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी स्कैमर ने मेरे फ्रेंड के फेसबुक अकाउंट से प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड किया, देन सेम उसी नेम से सेम उसी का डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर मुझे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज करता है और उस मैसेज में मुझसे पैसे मांगता है। तो मैंने मैसेज सबसे पहले मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये मेरा फ्रेंड ही है जो कि मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर मैंने जब डिटेल में देखा तो मुझे पता चल गया कि ये एक स्कैमर है, ये एक स्कैम वाला बंदा है जिसने कि मेरे फ्रेंड का एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाया है। उसके बाद मुझे ये चीज़ें पता चल गई थी। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से क्लियर भी किया कॉल कर, तो मुझे 100% ये फिक्स हो गया यानी कि क्लियर हो गया कि वो एक डुप्लीकेट अकाउंट है जो कि मुझसे पैसे मांग रहा है, यानी कि मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है, अगर कोई स्कैमर आपके ही फेसबुक अकाउंट का एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाए, आपका प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आपका सेम नेम रखकर फेसबुक पर कोई अगर डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर आप ही के किसी फ्रेंड के पास वो मैसेज करे, इस तरह का स्कैम करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, आपका जो इज्जत है आपके फ्रेंड के नज़र में या फिर जो भी है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है अगर एक स्कैमर आपका डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर आपके रिलेटिव या फिर आपके जानने वाले के पास मैसेज करता है। तो ऐसे में आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम बात करेंगे कि इस तरह के स्कैमर्स को किस तरह से रोका जा सकता है। आप अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसा कौन सा सेटिंग या फिर ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि कोई भी स्कैमर आपके फेसबुक अकाउंट का एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट ना बना पाए, तो वो भी आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को इतना सिक्योर कर सकते हो कि कोई भी स्कैमर आपके फेसबुक अकाउंट का एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट ना बना पाए, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक स्कैमर करता क्या है, एक स्कैमर को आपके फेसबुक अकाउंट का डुप्लीकेट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उसे ज़रूरत होती है आपके फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर का। अगर वो कोई दूसरा प्रोफाइल पिक्चर लगाकर किसी को मैसेज करेगा तो वो अपने स्कैम में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आप किसी तरह से आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कर दो या फिर उसके साथ कोई ऐसा सेटिंग आप ऑन कर दो कि कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल को ही डाउनलोड ना कर पाए, तो ऐसे में कोई आपके अकाउंट का डुप्लीकेट अकाउंट भी नहीं बना पाएगा। तो ऐसा करने के लिए सिंपल आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर आना है, आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, देन आपको यहाँ पर एक 3 डॉट देखने को मिलेगा, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको प्रोफाइल पिक्चर गार्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको क्लिक कर प्रोफाइल पिक्चर गार्ड वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो इतना कर अगर आप ये सेटिंग फेसबुक पर कर देते हो तो आपके जो फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर है वो कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता है, ना ही आपका फ्रेंड, ना ही कोई पब्लिक यूजर या फिर कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल को बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपका जो फेसबुक अकाउंट का डुप्लीकेट बनने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और कोई स्क्रीनशॉट भी आपके अकाउंट का नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में कोई भी आपके प्रोफाइल पिक्चर का मिसयूज नहीं कर सकता है, ना ही आपके अकाउंट का डुप्लीकेट अकाउंट बनाया जा सकता है अगर आप इस तरह का चीज़ें अपने फेसबुक अकाउंट पर अप्लाई कर देते हो। और दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग और भी है,
लेकिन अगर अभी आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो तो आपके फेसबुक पोस्ट का जो लाइक है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो हो सके तो आप इसे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस सेटिंग को ऑन भी कर सकते हो। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सिंपल आपको अपने फेसबुक अकाउंट में आना है, दिन आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है फेसबुक एप्लीकेशन के। तो सिंपल आपको सेटिंग का ऑप्शन सबसे नीचे देखने को मिलेगा, सिंपल आपको सेटिंग में जाना है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल लॉकिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोफाइल लॉक करने का एक सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आप यहाँ पर आकर अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर देते हो तो ऐसे में आपका जो फेसबुक अकाउंट पर आप पोस्ट करोगे या फिर जो भी आपके फेसबुक अकाउंट पर कंटेंट पब्लिश होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेंड ही देख पाएंगे। इस कारण से आपका जो लाइक है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जो पब्लिक लोग होते हैं वो भी आपके फेसबुक पोस्ट पर लाइक करते हैं, तो पब्लिक को आपका जो फेसबुक पोस्ट है वो दिखाई ही नहीं देगा। जो आपको फ्रेंड होंगे जस्ट उन्हीं को आपका फेसबुक पोस्ट दिखाई देगा। ये एक डिसएडवांटेज है इस सेटिंग का, आपको अगर सही लगे तो आप इनेबल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर यही कुछ तरीके थे जिसकी मदद से आप इस तरह के स्कैम को रोक सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क होकर भी रहना होगा क्योंकि इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद भी स्कैमर्स कोई ना कोई तरीका लगाकर आपके अकाउंट का या फिर आपके फ्रेंड के अकाउंट का डुप्लीकेट अकाउंट बना सकता है। तो अगर आप एक फेसबुक यूज़र हो या फिर आप इंटरनेट यूज़र हो तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और गाइस यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।